एक अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुस्लिम समाज और अहिरवार समाज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में एक मुस्लिम व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर ललितपुर कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया था। हत्या के दो आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। इधर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को विदिशा में किसी से मिलने जाने की जानकारी मिली थी। सीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी देने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अभी लिया गया है हिरासत में और ललितपुर पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है। आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि ललितपुर कोतवाली क्षेत्र में नदीपुरा गांव पड़ता मोहल्ला है, वहां पे कुछ अहिरवार समाज और कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति के बीच में विवाद हो गया था और विवाद में जो मारपीट हुई थी उसमें मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति की मौत हो गई थी और हत्या होने के बाद ये दोनों आरोपी वहाँ से फरार हो गए थे। और आज मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये एक तारीख को घटना करके आरोपी जो फरार हुए हैं वो विदिशा में किसी से मिलने के लिए खड़े हुए हैं। उस सूचना पे पुलिस ने जाके उनको अपने अभिरक्षा में लिया, तस्दीक किया। तस्दीक पे वहाँ सिटी कोतवाली TI वहाँ कुशवाहा जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ उनके यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें उनके यहाँ चूँकि दो संप्रदाय के बीच की घटना थी तो कानून व्यवस्था की भी स्थिति है। तो विदिशा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला जी की और एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में दोनों फरार आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है और ललितपुर पुलिस को सूचना दी गई है कि वो उनको अपने आरोपियों को अपने अभिरक्षा में लेकर और उनके विधि अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।